हमारे जीवन में बदलते लाइफस्टाइल और कोविड के बाद लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हुआ है। ऐसे हालातों में बीते कुछ वर्षों में लोगों का आयुर्वेद पर भरोसा बढ़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल सेक्टर 46 में 3 दिवसीय आयुर्वेदिक पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस पर्व का आयोजन ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ ही भारत सरकार के आयुष्मान मंत्रालय इसे आयोजित कर रहे हैं। मैं डॉक्टर संजीव गोयल, मैं वाइस प्रेसिडेंट अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन। ये प्रोग्राम 12 से 14 ऑफ दिस मंथ नवंबर यहाँ पे जो रोग्या मेला हो रहा है वो हमारे महासम्मेलन की तरफ से, भारत सरकार की तरफ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से स्पॉन्सर्ड है और धन्वंतरी कॉलेज में सेक्टर 46B में चंडीगढ़ में हो रहा है। धन्वंतरी कॉलेज को इसलिए चुना कि यहाँ पे एक आयुर्वेद की कॉलेज, जो मेरा मेडिकल धन्वंतरी कॉलेज है, कोविड में इन्होंने बहुत काम किया और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड में मेडिकल कॉलेज PGI और जनरल हॉस्पिटल और सेक्टर 32 के बाद अगर किसी को चुना तो जो इसको 46 सेक्टर के आयुर्वेदिक कॉलेज को चुना और उन्होंने कोविड में बहुत अच्छा काम किया, तो भारत सरकार ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। तो इसलिए अब जो हमने चंडीगढ़ में मेला लगाना था तो वो हमने लोगों को, यहाँ के लोगों को अवेयर करने के लिए कि आयुर्वेद के कारण कौन सी क्रोनिक डिजीज़ में कैसे फ़ायदा लिया जा सकता है आयुर्वेद का, वो इस अवेयरनेस कैम्प मेला लगाया है। ये मेला भारत सरकार की तरफ से लगभग 13 सालों से ऐसे मेले जगह जगह हिंदुस्तान में लगाए जा रहे हैं, तो लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो हर साल 6 या 7-8 जो मेले हमारे स्पॉन्सर्ड भारत सरकार की तरफ से किए जाते हैं वो हम अलग अलग स्टेट्स में लगाते हैं। तो अभी हमने पीछे यहाँ पे जलंधर में लगाया था और उसके पहले हमें आपको बताने में ये खुशी है कि 2015 में पंजाब यूनिवर्सिटी में नेशनल प्रोग्राम महासम्मेलन की तरफ से 58th जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी आयुर्वेद की महासम्मेलन की, वो हमने प्रणब मुखर्जी जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो यूनिवर्सिटी में आए थे और लगभग 1.5 लाख लोगों ने विजिट किया था। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव मेहता, मैं पंजाब सरकार में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूँ। आज का प्रोग्राम हमने ये प्रोग्राम कल शुरू किया था। आयुर्वेद महासम्मेलन हमारी NGO है, 114 साल पुरानी, तो ये इस तरह के कार्यक्रम करती रहती है। तो कल हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, जो हमारे आयुर्वेद महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पद्मश्री पद्म विभूषण है, तो उनके दिशा निर्देश के तहत और आयुष मिनिस्ट्री जो हमारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड ये प्रोग्राम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, जिसके तहत जो आयुर्वेद है और अन्य विधाएँ हैं उनका जो है प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि ग्रास रूट लेवल तक लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंचे, अवेयरनेस पहुंचे और हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट का रश है, क्योंकि आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं वो प्रिवेंटिव प्रमोट हेल्थ प्रमोटिंग और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट्स हम देते हैं लोगों को, तो जो हमारा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बाकी अन्य सब जो सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है उनके कंपेरिजन में। तो प्रिवेंटिव स्टेप्स जो प्रिवेंटिंग हमारी विधाएँ हैं उनका अगर लोग लाभ लें तो हमारे जो हॉस्पिटल्स में रश है पेशेंट का, बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और हमारे भारत में ऐसा है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं वो आउट ऑफ पॉकेट उनका एक्सपेंडिचर होता है क्योंकि इंश्योरेंस की या अन्य जो हैं वो सुविधाएं यहाँ कम हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो है पावर्टी जो है आ जाती है हेल्थ एक्सपेंडिचर की वजह से। ऐसा जो है बहुत से रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च पब्लिकेशन हैं जिनमें ऐसा बताया भी गया है, तो उस खर्च को, पॉवर्टी को भी जो है काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और जो हमारे हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स हैं उनके ऊपर काम करके, ये प्रिवेंटिव स्टेप्स लेके हम पेशेंट लोड को बहुत कम कर सकते हैं और एक मजबूत और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। प्रोग्राम कल शुरू हुआ था इस आयुर्वेद पर्व के नाम से, भारत सरकार के सहयोग से, आयुष मंत्रालय के सहयोग से हम ये कर रहे हैं। ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस जो हमारी 107 साल पुरानी संस्था है वो इसको आयोजित कर रही है, उसी के संदर्भ में ये आयुर्वेद पर्व हम चला रहे हैं ताकि चंडीगढ़ की जनरल पब्लिक को अवेयरनेस हो आयुर्वेद के बारे में। लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद जो है एक जीवन की पद्धति है, एक शैली है, जीवन शैली है। आयुर्वेद जो है वो ये सिखाता है कि हमने अपना जीवन निरोगी कैसे जीना है।
तो उसी के लिए हम पब्लिक से कह रहे हैं कि आप मैक्सिमम उसमें संख्या में यहाँ आएँ, यहाँ आकर स्टॉल्स को विजिट करें, हमारे जो एक्सपर्ट लेक्चर्स हो रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस के उनको आके सुनें और अपने जीवन में उनको अपनाएं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हमारे इनकी इन एक्टिविटीज़ के हमारा जो हमारी संस्थाएँ हैं जो फील्ड में डिस्पेंसरीज हैं जो हमारे डॉक्टर्स हैं तो वहाँ पे जैसे योगा है, योगा के कैंप्स जो है हम रूटीन में लगाते हैं, स्कूल्स में लगाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जहाँ से डिमांड आती है उनको ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हमारे आयुर्वेद के जो कैंप्स हैं, आउटरीच कैंप्स हैं, आरोग्य मेला हम 2008 से लेकर 2020 तक हमने 14 आरोग्य मेले पंजाब में कराए हैं, तो उनका यही मकसद होता है कि लोगों तक जो है पहुँच बनाई जाए और स्कूल्स में जैसे बच्चों को मैंने आपको बताया तो उस तरह से कि ग्रास रूट लेवल तक कि बच्चे आगे उसको प्रोपोगेट करें और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो, लोगों तक पहुंचे। तो ये सब हम एक्टिविटीज़ जो हैं ये हमारी रूटीनली चलती रहती हैं। मेले भी हम मेले पर्व भी ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। इससे पहले भी हम 3 मेले जो हैं पंजाब में ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं, जलंधर में, चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी में हुआ था, एक पटियाला में हुआ था। तो हमारे जो रजिस्ट्रार हैं बोर्ड के डॉक्टर संजीव गोयल जी, उनके हमारा पूरा उनकी पूरी यही रहती है कि हम लोगों तक आयुर्वेद को जो है पहुँचाएँ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।